नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, भीम संसद के तर्ज पर अंबेडकर समागम का आयोजन बीजेपी ने मिलर ग्राउंड पटना में किया था, जिसको लेकर के जेडीयू और राजद ने बीजेपी के ऊपर हमला किया है और कहा है कि भीम संसद की भीड़ को देख करके बीजेपी जो है वो घबरा गई है और जल्दी जल्दी में दलितों का वोट खींचने के लिए उसने अम्बेडकर समायोजन का आयोजन किया और चाह रही है कि नीतीश कुमार ने जो दलितों के लिए काम किया है उसको नज़रअंदाज कर दे और दलितों का वोट खींचे। इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी जीवन राम है। सर, कैसे देखते हैं इसको? सर देखिए, पहली बात हम बता देना चाहते हैं कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका जब सरकार था दिल्ली में तब उन्होंने कुछ तो किया नहीं और इस बात के लिए उनको तकलीफ भी नहीं है और बेशर्मी का तो हद पार कर दिए। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, जब उनके संज्ञान में आया कि उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया है तो पंच तीर्थों का विकास चला जाए, जहाँ जहाँ हमारे भीमराव अंबेडकर का स्थल था, चाहे वो पढ़ने का स्थल हो, चाहे वो उनका रहने का स्थल हो, चाहे उनका और भी चैत स्थल हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे मुंबई हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, तो सबको जो है एक सर्किट बनाकर उसका डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और बड़ी बड़ी देखिए बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाकर उनका कई जगह अनावरण, उनकी कीर्तियों को हम लोग बचाने का काम कर रहे हैं। इस देश में उन्होंने हमें संविधान दिया है और जो लोग संविधान के प्रति संवेदनशील नहीं रहे और वो लोग ऐसी बात करते हैं, उनकी जब उनके समर्थन से जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी और कांग्रेस ने लंबे समय शासन किया तब उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। आपको याद होगा कि 2005 के पहले यही लालू यादव जो है रामविलास पासवान को छटका के हटा दिए थे, क्या भाई तो हम कुर्सी हमारे पास होना चाहिए। तो राजगद्दी और राजगद्दी के सिस्टम में चलने वाले लोग और उनकी पार्टियां ये कभी भी नहीं कह सकती है कि हम किसी और को सत्ता हैंडओवर कर सकते हैं, चाहे वो दलित हो, महादलित हो या कोई और हो, और उनके लिए कभी, उन विकास पुरुषों के लिए कभी कोई काम नहीं किया। तो केवल भीड़ जुटाने से कोई काम थोड़े होता है, ये गलत आरोप है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही ऐसी रही। आपको याद होगा नीतीश कुमार के बारे में बात करते हैं, यही नीतीश कुमार जी रामविलास पासवान जी को राज्यसभा जाने से रोक दिए थे तो भाजपा ने अपने कोटे से उनको भेजने का काम किया। कहां करते हैं दलितों का सम्मान? ये दलितों का सम्मान आरक्षण में प्रमोशन रोकने का काम किया इन्होंने, तो हर जगह इन्होंने बाधा पहुंचाने का काम किया और कहते हैं कि हम जो है उनका हितैषी हैं, कहीं से भी हितैषी नहीं है। और जब इनकी सरकार लंबे समय तक रही तब कहीं कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये साबित हो कि उन्होंने उनके लिए काम किया है। आज दलितों की बात हम लोग करते हैं, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को कौन बैठाया कुर्सी पर, देश के सर्वोच्च कुर्सी पर कौन बैठाया, आदिवासी की बात करते हैं, और आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को कौन बैठाया कुर्सी पर, यही भारतीय जनता पार्टी ने बैठाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान देने का काम किया है दलित समाज को, महादलित समाज को, उस सम्मान को देखकर ये लोग घबराए हुए हैं और चाहे कोई संसद कर लें ये कुछ नहीं होने वाला है। जनता जानती है कि हमें किसको वोट देना है, नहीं वोट देना है, हमारा सम्मान कौन करता है। ये पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, महादलितों के साथ अपमान करने वाले लोग हैं, ये अपमान करने वाली पार्टियां हैं, ये कुछ भी कर ले जनता जानती है कि हमको क्या करना है। और लोकसभा में हमारा 40 से 40 सीट आप जान लीजिए कि आएगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और पूरे देश में मैं बता देता हूं, आप जान लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि इस बार हम लोग 450 सीट लाएंगे लोकसभा में। जदयू तो कह रही है कि इससे पहले दलितों को कोई भी पार्टी जो हुकूमत में रही कभी इज्जत नहीं दिया, उन लोग को ज़मीन पे बैठाया, उन लोग को कुर्सी पे बैठने नहीं दिया, और जब जदयू आई हुकूमत में तो उसने दलितों को जो इज्जत दिया है वो रहती दुनिया तक याद रखेंगे दलित समाज। आदरणीय रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं रहे, जब वो मरे तो उनके अंत्येष्टि हम लोगों ने राज किए सम्मान के साथ किया, भूल गए नीतीश कुमार जी? माननीय मुख्यमंत्री जी को याद की तो ऐसे भी याद उनका रहता नहीं है। उनको जब राज्यसभा से जाने के लिए उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से भेजने का उनको काम किया, ये सारी बात वो भूल गए? तो ऐसी उनके पास ऐसी कोई कीर्ति नहीं है, ऐसा कोई उन्होंने काम नहीं किया। दलितों के आरक्षण में प्रमोशन जो है जब होने की बात आई तो उसको भी रोकने का कई जगह काम किया उन्होंने, तो हर जगह तो उन्होंने बाधा पहुंचाने का काम किया। केवल फोटो लगाने से दलितों का विकास होता है? उसके लिए कुछ कीजिएगा तब विकास होगा। जेडीयू तो कह रही है कि हमने जातीय जनगणना कराया, आरक्षण दिया दलितों को और समाज में बराबरी का ओहदा दिया। 32-33 साल से उन्हीं की सरकार है और आज तक दलितों को मकान नहीं दे पाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3.5 करोड़ से ऊपर मकान दिया और 3.5 करोड़ से ऊपर मकान देखिए उसमें से 80% दलितों का मकान बना हुआ है। तो उन्होंने काम किया और ये लोग भाषणबाजी किए, इन्होंने दलितों का विकास नहीं किया, दलितों का नाम पर वोट बैंक को केवल लेने का काम किया, और ये कभी भी जान लीजिए कभी भी विश्वास कायम उनके बीच नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने वास्तविकता में कोई काम नहीं किया। चाहे उनके विकास की बात हो, चाहे उनकी कीर्ति की बात हो, पूरे देश में कितने दलित नेता हुए?
उनका सम्मान किया इन्होंने? बिहार में कौन, बिहार में रामविलास पासवान से दलित नेता उनसे बड़े कौन थे? उनका सम्मान किया ना लालू जी ने? किया, राजगद्दी के चलते उनको हटाने का काम किया 2005 के पहले, उनको कुर्सी से बेदखल करने का काम किया और उसके बाद उनको मौका नहीं दिया। अरे जब जनता आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, अपराध के मामले में आपको जनता नकार चुकी थी, महाजंगल राज के मामले में आपको जनता नकार चुकी थी, तो एक बार रामविलास पासवान जी को गद्दी दे देते आप? जनता तो चाह रही थी उनको, लेकिन आपको मौका मिला तो आपने कहीं कुछ नहीं किया और आप कहते हैं कि दलितों का हित ऐसी है, शर्म आता है हमको इस बात पर। जदयू कह रही है कि बीजेपी का आने वाले चुनाव में जो है जमानत जब्त कर देंगे, चाहे वो कितना भी अपने आप को दलितों या पिछड़े तबकों की हिमायती बताए, बीजेपी जो है बिहार में दाल नहीं गला पाएगी। देखिए मैं बताऊँ, 3 राज्यों का चुनाव हुआ है, उसमें वोटर कौन है बड़े? उसमें बड़े वोटर हमारे दलित समाज के हैं, उसमें बड़े वोटर हमारे पिछड़े समाज के हैं, उसमें बड़े वोटर हमारे आदिवासी समाज के हैं। तो आदिवासी पिछड़ा दलितों में उनका जो है उनका ग्राफ गिर गया है। और मैं बता दूं, नीतीश कुमार जी की बात अब जब करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि उनके आप इंटरनेट पर चेक कीजिए, उनके प्रत्याशी जमानत जब्त होना तो बड़ी दूर की बात है, 150-200 वोट ला के वहाँ पर हारे हैं। जो 150 विधायक के प्रत्याशी होकर 150-200-300 वोट लाएगा वो चुनाव की बात करेगा, वो पूरे देश में एक्सेप्टेंस की बात करेगा, वो गलत बात है। ऐसे लोगों को तो जनता जानती है, जिनको 1000 वोट नहीं पुर रहा है विधायक के चुनाव में अन्य राज्यों में, और वो कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे पूरा देश में और दलितों का हित ऐसी है। अरे दलितों ने तो आपको रिजेक्ट कर दिया, पिछड़ों ने तो आपको रिजेक्ट कर दिया, आप रिजर्वेशन का फॉर्मूला चलाइए, कोई भी नीति चला लीजिए आप। अरे भाई पिछड़ों को सम्मान देने का जब बात है, आप कहते हैं, राहुल गांधी की मैं बात करता हूँ, कहते हैं कि 3 OBC के सेक्रेटरी हैं। अरे जब काका केलकर का रिपोर्ट लागू करने की बात आई तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लागू किया 1955 में, 1989 में, जब 1979 में आया, 89 में आया, कई बार मौका मिला लेकिन आपने कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया। आप हमेशा विरोधी रहे, आपको जब जब मौका मिला आपने कोई एक्सेप्टेंस उनका नहीं किया, आपने विरोध किया, उनको आगे बढ़ने का रास्ता रोकने का काम किया, आपने सपोर्ट नहीं किया। और वोट बैंक के चलते आप कहते हैं कि हम उनका हितैषी हैं, आप काम गिना के दिखा दीजिए ना। चलिए, ये थे हमारे साथ MLC जीवन राम, जो साफ साफ कह रहे थे कि एक राज्य में जो चुनाव हुआ तो जेडीयू वहाँ मुखिया के बराबर भी वोट नहीं ला सकी और अपने आप को दलितों की हिमायती बता रही है, जबकि मैंडेट जो है, जबकि दलित पिछड़ा हर तबका नरेंद्र मोदी के साथ है और नरेंद्र मोदी ही हर तबके के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।